हेलो एवरीवन, बेटा हमने अभी पिछले दो तीन लेक्चर में कार्ल पियर्सन ने जो कहने को शॉर्टकट मेथड दिया था, वो शॉर्टकट मेथड का आपने अच्छे से यूज करके प्रैक्टिस कर ली, जिसने करनी थी, जिसने नहीं करी क्या कह सकते। अब कोरिलेशन में जो लास्ट मेथड है कोरिलेशन को निकालने के लिए, जिस मेथड का नाम क्या है, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। बेटा ये सही में बहुत ईजी है, उसके आगे बहुत ईजी। स्पेसमैन ने एक मेथड दिया कोरिलेशन निकालने का, और भैया क्या मेथड दिया पहले मैं आपको बता दूं। स्पेसमैन ने पहले स्पेसमैन ने जो जिस फॉर्मूले के थ्रू निकालने को कहा वो लिखो, वन माइनस, ये लिखो वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन, और नीचे d का मीनिंग भी लिख लोगे रैंक डिफरेंस, और n का डिफरेंस, n का मीनिंग भी लिख लोगे नंबर ऑफ स्पेयर्स। अच्छा ऊपर हेडिंग में लिखी थी क्या, ये है स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड, स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये नाम क्यों दिया गया इसे। स्पेयर्समैन ने दिया था इसलिए नाम स्पेयर्समैन है, रैंक डिफरेंस क्यों है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि क्या रीजन है रैंक डिफरेंस देने का। 1 माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। बेटा एन तो सबको पता है, एन तो दे रखा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारा खेल डी निकालने का है। अगर डी आ गया क्वेश्चन सोल्व, तुम आज बहुत खुश होने वाले हो, सर कहाँ से कहाँ ले आए, है ना, कहाँ वंडर रूट, वो शॉर्टकट मेथड कहने को, और वो शॉर्टकट में इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है ना, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। बेटा छोटा सा फॉर्मूला रिवाइज करा रहा था कि वो छोटा सा फॉर्मूला था बेटा, लेकिन वो रिविजन करते हुए उसी समझ में आया होगा जिसने पहले किया हुआ है, बात ना हो बेटा। स्पेसमैन का सही में बहुत इजी है उसके आगे। अब स्पेसमैन में जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो ये बेटा लिख लो, ये तीन तरह के क्वेश्चन करने हैं हमें, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन इन थ्री सिचुएशन। एक में रैंक गिवन होगी, एक में रैंक गिवन नहीं होगी, और एक में वैल्यू ऑफ द सीरीज सेम होगी। तीनों एक एक करके सिचुएशन देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। वही होगा, पहले भैया आप एक आधा क्वेश्चन करा दो, फिर भैया हम मेहनती बच्चे हैं हमें तीन चार देना कम से कम भी भैया, फिर हम करेंगे आप हमारी मदद ना करना। तो पहले हम समझाते हैं फिर आप मेहनत करना। पहले इसे लिख लो कि तीन सिनेरियो बनेंगे, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर सेम। लिखिए बेटा, व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर सेम। बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिखो हम कौन से तरीके से कर रहे हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक्स गिवन हैं। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब रैंक गिवन है सीधा क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। इलस्ट्रेशन लिख लो ये सीधा अपने नोटबुक में। ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में दो जजेस ने 10 पार्टिसिपेंट को रैंक्स दी, जज एक्स ने जिसको रैंक एक दी, जज वाई ने उसे रैंक 10 दे दी। बेटा अब लड़ेगी कोई, दे दी क्या कर सकते हैं। जज एक्स ने जिसे रैंक 2 दी, जज वाई ने उसे क्या दी, 6। ऐसी अलग अलग रैंक दे रखी है, ये जज एक्स ने दे रखी है और ये जज वाई ने दे रखी है। मेन पॉइंट ये रैंक ही है, याद रखना है कौन से केस में, इसमें रैंक ही गिवन है। अब पहले बेटा 2 मिनट अपने हाथों को आराम, क्या कहेंगे, आराम ही कहेंगे क्या कहेंगे, थोड़ा सा बेटा अपने हाथों को रोको। हाँ बेटा रेस्ट को हम सोच रहे थे, थोड़ा हिंदी माने हम भारत में रहते हैं क्या करें, फिलहाल के लिए हाथों को विराम देते हुए आराम देते हुए जरा उसे साइड में रख लो, और अब सारा फोकस बेटा ये जो बिल्कुल क्लियर किया, फालतू टेंशन नहीं देनी। एक को रैंक 1 दी, उसके बाद जज वाई ने क्या किया, पहले रैंक कितनी दी, 10, 6, उसके बाद 5, 4, 7।
बेटा बस अभी 2 मिनट का कंसेप्ट है, समझ लो, लिखो मत। जब कहता हूँ समझ लो, तब तो पूरा फोकस वहां होना चाहिए कि आगे हम खुद कर पाए क्वेश्चन। तो बेटा सबका फोकस यहाँ है, सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना पड़ता है कहीं कोई किसी के ख्यालों में तो नहीं है ना, सब मुझे ही देख रहे हैं। क्योंकि बेटा जो इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे देख रहा है, मतलब वो सामने तो ध्यान है नहीं उसका, तो ख्यालों में होगा किसी के। तो बेटा ये कंसेप्ट अब समझना, शुरुआत समझना, ये रैंक है, इसे कहते हैं R1, रैंक 1, और ये R2। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे रैंक गिवन नहीं होगी, इसमें रैंक ही गिवन है। बेटा बड़ा इजी, इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है, R1 - R2 से निकालो या R2 - R1 से, कोई भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो 1 - 10 कितना होगा, -9, फिर -4, -2, 0, -2, -3, -1, नहीं 6, 8। बेटा इसका स्क्वायर निकालने में इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना। 81, 16, 4, 0, 4, 9, 1, 36, 64, 49। मजे आ रहा है कुछ, कहां से कहां है बेटा, कुछ नहीं, डी निकाला, डी का स्क्वायर, टेबल खत्म, और कुछ नहीं है इस टेबल में। डी के स्क्वायर का सम कर दो बेटा, ये हर कोई खुद कष्ट करे, हर कोई थोड़ा सा खुद कष्ट करे कैलकुलेट करने का, अपने कॉपी पेन का यूज करे। बेटा ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे आप करते थे 97, 104, 105, 114, 105, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे आके। ये तो छोटी कैलकुलेशन है। एक ने बोला दूसरे के पीछे रिपीट कर दो, 264। बैठी गंगा में हाथ धो लो, डूबेंगे तो सभी डूबेंगे। और अगर बाय चांस एक बच्चे गलत था ना, तो सबने मान लिया कि चलो ठीक है। बेटा ना लिखो यार, तुम समझते नहीं, लिखना अभी, समझ लो। हाथ तो रोक नहीं सकते, रोक लो भाई, चैटिंग नहीं हो रही है, रोक लो भाई, सब कंसेप्ट समझा रहा है, रोक लो हाथ। 264। अब R 1 - 6 sigma d² / (n³ - n), सुनना बेटा, 1 - 6 sigma d² आपके सामने है, 264। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रैंक्स, कितने हैं, कितने हैं यहाँ पे। बेटा देखो दो तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने, या तो सीधे ही मैं रख दू 10³ - 10, नहीं तो इसे थोड़ी सी अगर हम लॉजिक का यूज करें, इन दोनों में n कॉमन लेके n² - 1 भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों में n कॉमन लेके। बेटा ये मतलब मैं घबरा जाता हूँ जब किसी में मैच ना हो ना, तो भैया ये एकदम कैसे कर दिया, ये डरने की बात है वैसे कि ये किया कैसे। जैसे 2³ - 2 है, तो बेटा इन दोनों में अगर मैं 2 बाहर ले लूं, तो इसे 2² - 1 लिखा जा सकता है। शुक्र है मैंने इस बार मैंने बता दिया। बेटा देखो मैं दोबारा बताता हूँ, 3³ - 3 है ना, इन दोनों में से बेटा प्लीज बात ना हो, इन दोनों में से 3 बार लेके नॉर्मली ठीक है ना, कराऊ ये बेटा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सेकंड स्टेप ना जो करवा दिया बेटा, एम कॉमन लेके n² - 1 से होगा क्या समझना, 1 - 6 × 264 / 10, 10² - 1 - 1। अब हुआ क्या, अब ये जो 10 आया ना कॉमन, अब इसे ऊपर से नीचे काट पीट हो सकती है, अदरवाइज पहले काट पीट नहीं हो सकती थी। और बेटा ये मैंने बताया कैसे लिखा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारे दुख को, जिस पे मैच नहीं है, इन दोनों में जब एन कॉमन लिया तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, ये मैंने समझाया। जैसे 3³ - 3 है, 3 कॉमन लिया तो इसे 3³ - 1। अब जरा समझना इससे हुआ क्या, बेटा σd² आना चाहिए, ये रहा d², ये रहा इसका σd². अच्छी बात है बेटा, आपने पूछा, किसी और को भी डाउट तो क्लैरिफाई हो गया होगा कम से कम। अब ये 2 के टेबल से काटो पहले, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 5। अब आगे नहीं काट सकते, तो 1 - अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी 3 से, 12 एक ऊपर गया, 19 एक ऊपर गया, 792 / 5 × 10² - 100 - 1 = 99। 3 से कट जाएगा ना, 7, 3 से कट जाएगा, ये कितने का जाएगा 33, ये कितने का चला जाएगा 3 में 2196 1 2 4 264। अब भी 3 से ऑफ कोर्स जाएगा, ये कितना जाएगा 11, ये कितना जाएगा
एट और एट, ये देखो आठ, मजे आ गए तुम्हारे। अगर बेटा यहाँ आ जाता 1000 माइनस 10 990, और यहाँ तो फिर भी 10 है, क्वेश्चन में आगे आने वाले इसे 706 रखा जाएगा, तो ये आपका स्टेप पहला मदद कर देगा कैलकुलेशन को इजी करने में। तो आपको n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन ही याद रखना है नीचे, ठीक है। अब ये 8 आ गया, 5 अपॉन 8, 1 माइनस 1.6, माइनस के 0.6। कितने दिनों बाद हमारा क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो पाया, स्पेस मैन को बेटा थैंक यू को, ये स्पेस मैन की वजह से है। हाँ, अब हाथों पैस देके इसे लिखना शुरू करो, और बेटा किसी को कुछ ना समझ आया तो मेरे से पूछे, वरना लिखे। बेटा अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया जहां पे रैंक्स गिवन थी, और मैंने उस पे ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया, सब कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ हो ही नहीं सकती क्वेश्चन में। और है क्या, ये रैंक्स दे रखी है, डिफरेंस निकालो, फिर उस डी का क्या करो, स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, कोई क्रॉस वेरीफाई, 40, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर मतलब 40 अपॉन n, कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया होगा 1 माइनस 0.24, है ना, यही तो आया होगा 0.76। बेटा क्रॉस की अगर किसी को कहीं गड़बड़ हुई है तो वो देख ले कि किस स्टेप पे गड़बड़ हुई होगी। अभी के लिए बेटा नई हेडिंग लिखो, खाली हेडिंग लिखना, फिर समझना, नोट डाउन बाद में करना। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं होगी। लिख लिया बेटा, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ओके भैया, जब रैंक्स गिवन नहीं होगी। तो देखो बेटा एक कंपटीशन हुआ, बचपन के दिन याद आए होंगे किसी को, कंपटीशन में ये 10 पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने, दो जजेस ने अलग अलग क्या दिए बेटा, याद रखना रैंक्स नहीं है, मार्क्स है। बेटा एक बात सबको दोबारा कहना चाहूंगा, जब मैं बोल रहा हूं मुझे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई आपस में कोई भी बात ना करे, ये मुझे रिपीट ना करना पड़े बैच में, आपके लिए उतना ही अच्छा है। अभी जल्दी से समझने पे ध्यान दो, किसी बच्चे पे बुक है तो बेटा मुझे बताएगा, किसी पे है ही नहीं मुझे लगता है, सब मेरे साथ, 15 17 14 18 10 9। चलो ऐसा करो, तुम लिख ही लो फिर, तुम बुक ही नहीं है, टाइम वेस्ट करते हो, लिखो, साथ भी समझते हैं, लिखो, जब कहूंगा कि रुक जाओ तब रुक जाना, पता चला तब भी हाथ चल ही रहे हैं। लिख लिया बेटा एक्स वाई, लिखे 15 12 4 6, उसके बाद 7 9 3 10, उसके बाद 2 5। बेटा ये पहले बता दूं क्या है, अब बेटा अपने हाथों को कष्ट ना देना थोड़ी देर के लिए, है ना, बात को आप सुनने पे ध्यान दें। पिछले क्वेश्चन में रैंक्स गिवन थी, इस क्वेश्चन में कहा कि एक्स और वाई जज ने मार्क्स दिए, यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रैंक्स निकालनी पड़ेगी। भैया रैंक्स कैसे निकालेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में निकाल दो, चाहे डिसेंडिंग, मतलब जो ये मार्क्स दे रखे हैं, जो एक्स जजेस ने मार्क्स दिए, तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में रैंक दे सकते हैं, असेंडिंग में देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, तो इसे रैंक क्या दे दो, 1। उसके बाद देखो नंबर, तो इसे क्या दे देंगे, 2। क्या ये समझ में आया, नहीं, मेन पॉइंट यही है, जिसे ये नहीं समझ आया उसे आगे कुछ समझ में आएगा। द्वारा ये मार्क्स दे रखे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, रैंक। रैंक कैसे निकाल रहे हैं, जो मार्क्स दे रखे हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दे रहे हैं, कि भाई जिसके 9 नंबर है फॉर एग्जाम्पल, उसे रैंक क्या दे दी, 1। दूसरे में भी दे सकते हो आप, कि बेसिकली आप डिसेंडिंग में देना चाहो तो डिसेंडिंग में दे सकते हो, कि भाई जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ रखे हैं उसे फर्स्ट कह दो, इससे कोई फर्क नहीं आएगा हमारे आंसर पे, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करो, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि असेंडिंग मुझे लगता है कंपेरेटिवली शायद इजी रहता है, 9 पे 1, 10 पे 2। बेटा इसके बाद में ये विशाल बताएगा, नंबर कौन सा दे रखा है बेटा इस सीरीज में, बताना मुझे, 9 10 के बाद 11, तो 11 के आगे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, 3। इसके बाद क्या दे रखा है, 12। मेन बात ये देखनी है कि कहाँ दे रखा है, उसके आगे क्या दी जाएगी,
रैंक फोर, उसके बाद 12 के बाद 13 के आगे, 14 के आगे और 16 के आगे। सबसे ऊपर के अच्छा, बीच में कुछ खा गए क्या हम? सेवन, 16 को एट, 17 को और 18 को, क्या बात समझ में आई या नहीं? इसे लिख लो अभी और कोशिश करो। रैंक टू बेटा, ऊपर ये दे रखा है, ये निकाला R1 R2 रैंक्स। बेटा पहले लिख लो बड़े प्यार से इतना। लिखने के बाद ये जो वाई में मार्क्स हैं, कोशिश करना खुद ही रैंक दो पहले उसे, फिर मेरे से चेक कराना, आगे ना भागना, रुक जाना अगर वहां तक हो गया हो, क्योंकि बेटा तुम बच्चे होशियार, मैं हूं निकम्मा। मुझे लगता है टाइम समझाने में तुम्हें लगता नहीं, ना समझने में ना लिखने में। मैंने इसीलिए तो बेटा बात कही ना, बेटा मैं निकम्मा हूँ, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, थोड़ी सी स्लो कि बाकी बच्चे लिख लें। बेटा जिसने अभी वाई लिखा है वो वाई को रैंक देना शुरू करे पहले, कुछ सबको टाइम दे रहा हूँ। जिसका हो गया बेटा वो 2 मिनट अपना आराम करने को, फोन यूज करने को नहीं का। मुझे लगता है सबने इतना कर लिया है, जहां तक रैंक्स दे रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा मेरी मदद कौन करेगा? विशाल करेगा। बेटा वाई में सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है वाई में? बाय हाँ वाई में बेटा ये रहा वाई, इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है? तो उसके आगे रैंक क्या दूंगा मैं? वन। टू के बाद कौन सा नंबर है? टू के बाद बेटा सीरीज में कौन सा नंबर है? बेटा ये तो बता ही सकते हो। थ्री के आगे क्या दे देंगे? टू रैंक। थ्री के बाद फोर, रैंक क्या दे देंगे? फोर के बाद रैंक क्या दे देंगे? फोर फाइव नंबर के बाद रैंक, फाइव देन सेवन सेवन पे रैंक, सिक्स सेवन के बाद फाइव रैंक, सेवन नाइन के बाद टेन रैंक, एट उसके बाद नाइन रैंक, नाइन देन 15 और रैंक 10। बेटा अभी अपनी बातों को विराम करते हुए, R1 R2 मैंने निकाला, इसके बाद कौन से स्टेप है बेटा? ये पुराना क्वेश्चन बन गया अब हमारा। क्यों? पिछले क्वेश्चन में रैंक्स दे रखी थी, इसमें हमने रैंक्स निकाली, अब बेटा हम डी निकालेंगे, R1 माइनस R2 से फिर उसका स्क्वायर। तो 7 में से 10 माइनस करो, माइनस 3 0, 3, 5 माइनस 5 0, माइनस 3 6 2 1 -3। अगर माइनस की गलती भी हो जाए तो कोई गड़बड़ होगी ही नहीं, क्योंकि उसका क्या निकालना है? स्क्वायर। तो 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। और बेटा इसका सिग्मा dx स्क्वायर निकाल दोगे? 96। यहां तक समझ आ गया बेटा सबको? इसके बाद कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन 1 - 6 सिग्मा d² / (n)² - 1। तो 1 - 6 × 86, n कितना था? 10। 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का 5 का 2 के टेबल में, देन 1 - 3 × 86 / 5 × 99, 33। मेरे तो लग नहीं रहा कटेगा ये। या तो बेटा एलसीएम करो या डिवाइड करो। 1 - 86 5 × 33 ये 15, ये 165। या तो सीधा डिवाइड कर दो, ये एलसीएम लेके डिवाइड करो, जो सही लगे आप वो कर सकते हो। एलसीएम लेके डिवाइड करना इसलिए सही रहेगा, शायद नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा डिवीजन के लिए। बेटा कोई चेक करके फायदा नहीं है, पेपर में कैसे चेक करोगे? ये आ जाएगा 79, 79/165।
नहीं पॉइंट कुछ आएगा यार, आपने अपोजिट डिवाइड कर दिया होगा। 0.0165 इंटू 5 या 6, 5 के जगह से चल जाएगा 5 का, नहीं जा रहा है क्या? 4 चलेगा, तो 164 इंटू 4 कितना गया? 16 एक ऊपर गया, 25 दो ऊपर गया, 7 ना, सॉरी 160, सॉरी सॉरी कितना है 165 इंटू 4 660, 0 दो ऊपर गया, 26 दो ऊपर गया, हाँ 660, ये कितना आ गया 130, 0 कितने का 8 का 160। बेटा जो बच्चे बात कर रहे हैं ना, या तो उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है या वो ये अज्यूम करके बैठे हैं कि भैया हमने करनी थी कैलकुलेशन पेपर में, नहीं तो बात करने का कोई सेंस नहीं है जब कैलकुलेशन हो रही है। या तो आप खुद कर रहे हो कैलकुलेशन और उसमें भी बात होने की जरूरत नहीं है, और ये तो सिंपल डिवीजन है, नहीं जाएगा बेटा। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैंने तो इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई करके देखा 115, बस यहाँ इतना करके 0.47 आंसर देखो क्या ये दे रखा है क्या, काम खत्म। क्लियर है बेटा, कर लिया सबने? आज का लास्ट क्वेश्चन अभी आप यही करोगे। 0.48 कोई घबराने की, वो पता 47 के बाद अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसे क्या कर देते हैं 0.48। बेटा 49 नहीं आना चाहिए, 49 क्यों आया आपका? 49 नहीं आना चाहिए क्योंकि हम रेसिप्रोक जब हमने अप्रोक्स भी किया तो इतना अप्रोक्स होना नहीं चाहिए ना, 0.1 अप्रोक्स तो आ जाएगा, इससे ज्यादा अप्रोक्स नहीं आना चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप अभी यही करोगे, यहाँ पे रैंक्स क्या है ये रहा, लिखो। मुझे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी लग रही है। रैंक्स नहीं है, रैंक्स नहीं है बेटा, ये रैंक्स निकालनी है इसे। R1 R2 निकाल लो, D निकाल लो, फॉर्मूले में पुट करो। जाने वाले हो बस बेटा, भाग कम खड़े हुआ करो और भाग कम तेज बात किया करो, पता चला आसपास वाले कोई आ गए कि तुम्हारे बच्चों ने दंगा मचा रखा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। विशाल इतने टेंशन ना लो, आ रहे हैं।